सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज है 11th ऑफ अप्रैल एंड जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज मेरा मैच है क्रिकेट का। आजकल बालकनी में ना मेरे बीच में लॉक लगाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वो हाइट का रीज़न है जिसकी वजह से हाथ यहाँ पे नहीं जाता, इसलिए वो यहाँ पे लॉक लगा देती है। तो अभी मैं रेडी होके जा रहा हूँ शोरूम में, पहले मुझे थोड़ा थोड़ा काम है, काम निपटाएंगे। 4 बजे मेरा मैच है तो मैं निकलूँगा अराउंड 3 साढ़े 3 बजे, यहाँ से निकल जाऊँगा, घर के पास ही है। तो जाके आज देखते हैं कैसा रहता है आज। 2 साल के बाद खेलूँगा मैं लेदर बॉल से, बॉडी में तो बड़ी दर्द होने वाली है कल, क्योंकि आज जब खेलूँगा इतने टाइम से कोई वर्कआउट भी प्रॉपर हार्ड कोर वर्कआउट नहीं हुआ, एंड जब आप खेलते हो इतने टाइम बाद तो बॉडी तो पेन करेगी। दो मिनट के लिए ये करना पड़ेगा गरम, जो हमने कल बनाया था हवन के लिए, एंड ये वियान की बॉटल्स भी पड़ी हुई है। डिबेस कहाँ से आए थे? अच्छा, कितने अच्छे लग रहे हैं। सब अलग अलग कलर के। तो अभी मैं निकल चुका हूँ शोरूम के लिए, मुझे थोड़ी देर का काम था आज संडे को, एंड वैसे भी मुझे आज क्रिकेट मैच तो है ही, तो 2:30 बजे मैं घर आ जाऊँगा। 4 बजे का मैच है, जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 3:45 है, तो मुझे घर आना है। एक दो चीज़ें खरीदनी है मैच से रिलेटेड, जैसे कि मेरे पास बैट है, ग्लव्स नहीं है। अब ग्लव्स मुझे ख़रीदने पड़ेंगे, या ग्लव्स तो मोस्ट ऑफली मुझे मिल भी जाएंगे, एंड एक दो चीज़ें और चाहिए, एंड फिर मुझे पहुँचना है 4 बजे मैच के लिए। तो अभी जाते फटाफट काम कंप्लीट करते एंड फिर आते हैं। अब ये देखो कितना टफ है, जिसने अपने बच्चे को पीछे साइकिल में रखा हुआ है एंड इतनी धूप में घिसका के ले जा रहा है। और जैसे कि बच्चे को पूरी की पूरी कंफर्ट मिल जाए, एंड खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं। और बस मैं अभी अभी निकल चुका हूँ, अभी बज रहे दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। मेरा 4 बजे का गेम है, मैं लेट हो गया, कोई कस्टमर आ गया तो उसके बाद मैं बिज़ी हो गया, निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया। तो मैं फटाफट मुझे घर जाना है, थोड़ा सा लंच भी करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, एंड खा के निकलना है मुझे जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है आज का, आज गर्मी बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है। अभी 39 डिग्रीज हो रखी है, पता नहीं कैसे खेलेंगे, पर चलो अब जब ठान लिए तो ठान लिए, खेल के दिखाएंगे। और एक तो मुझे ये नहीं समझ आता है ये स्टड क्यों बनते हैं लोग, ये देखो बिना हेलमेट के जा रहा है और साइड में टांगा हुआ है। स्टड बनते हैं यार, अपनी लाइफ की भी तो वैल्यू होनी चाहिए। सो बस मैं अभी बस निकल रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया, 3:30 बज गए एंड 4 बजे का मैच है, तो यहाँ से लगेंगे 15 मिनट। जिनके साथ मैं खेल रहा हूँ उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, एंड देखते पहले तो मिल जाए जगह, ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट का रास्ता है, एंड वहाँ पर आपको दिखाता हूँ ग्राउंड कैसा है। डे नाइट मैच है तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट फटाफट पहले पहुँच जाते हैं। पता नहीं कहाँ आ गया, हमें जगह नहीं मिल रहा, तब से ये लग रहा है मुझे ग्राउंड, बट यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही। हाँ यही वाला ग्राउंड है, वहाँ बैठे हुए सब लोग। अंदर अंदर तो अभी 11 ओवर हो गए एंड हमारा स्कोर है 90 for 3। अब साइड चेंज हो गई, पहले उस तरफ से बैटिंग, इस तरफ से बैटिंग हो रही थी, अब उस तरफ से हो रही है। सो 10 ओवर के बाद आपका साइड चेंज हो जाता है मिडवे में। तो अभी छक्का मारा है ना, हमारी बॉल खो गई है, वहाँ पे बॉल ढूंढी जा रही है। तो 5:15 ओवर हो गए एंड हमारा स्कोर है 114 for 3। तो ये दोनों टिके हुए अच्छा खेल रहे, अब आ गया टाइम हिटिंग करने का। फर्स्ट इनिंग हो गई है, अब हमारी बॉलिंग है एंड टारगेट है 184, 20 ओवर में, पहला ओवर मैं कराने वाला हूँ, तो लेट्स सी कैसा होता है। इनका तो अलग ही मैच चल रहा है, तब से मेरे बीच में आ रहे हैं, मैं फील्डिंग कर रहा हूँ और ये बीच में आ रहे हैं, अगर बॉल आ जाए तो। अभी 10 ओवर कंप्लीट हो गए, मेरे ऊपर देखो क्या मच्छर चल रहे हैं यार। उनका स्कोर है 95 एंड चाहिए, बॉलिंग बहुत ख़राब हुई है, इतने टाइम बाद करा रहे।
तो अब ये साइड चेंज होगी क्योंकि 10 ओवर हो गए कंप्लीट एंड अब उनको चाहिए अराउंड 80 रन 10 ओवर। लेट्स सी क्या अभी एक बहुत क्लासिक रन आउट किया मैंने, यहाँ बॉल आई थी मैंने फेंका विकेट कीपर एंड रन आउट, दो रन भाग रहे थे मेरे थ्रो के आगे। लाइट्स लगी ना इसके वजह से इतने ज़्यादा मच्छर हो गए ना, इतने ज़्यादा मच्छर मेरे सर के ऊपर घूम रहे थे अभी उस तरफ जब मैं फील्डिंग कर रहा था। क्लोज हो गया मैच, 33 रन चाहिए 16 बॉल्स में एंड अभी एक चौका पड़ा, लेट्स सी क्या होता है, इसके बाद शायद मैं बॉलिंग करूँ, देखते हैं। मैच अभी जाके ख़त्म हुआ है, काफ़ी लेट हो गए बट फाइनली हम हार गए। एक्चुअली में हम हारे हैं अपनी फील्डिंग वजह से, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास हुए, ओवर थ्रोज हुए एंड मेरी बॉलिंग चली गई। कोई बात नहीं, एक साल बाद खेल रहे तो ये तो वो नहीं था, बट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मुझे पता है आई एम श्योर काफ़ी अच्छी बॉलिंग होगी एंड बैटिंग होगी। इतने टाइम पर जब खेलते हो तो ऐसा होता है, थोड़ा बॉडी भी रस्टी थी एंड इतने टाइम पर खेल रहे हो तो बैक भी सपोर्ट नहीं करती, बट मज़ा आया क्रिकेट इतने टाइम पर खेलने। अब चलते हैं घर क्योंकि बड़ा लेट हो गया। आज पता क्या हुआ मैच में, पता क्या हुआ, हम हार गए। हम हार गए एक रन से, मतलब एक विकेट से कह लो क्योंकि लास्ट प्लेयर खेल रहा था नाइट, उसने जिता दिया। दो रन चाहिए थे एक बॉल पे एंड भाग लिए, दो रन भाग लिए। कोई बात नहीं, हाँ गुड क्वेश्चन। तो मैच अच्छा रहा, मज़ा आया, इतने टाइम बाद खेल रहा था तो ऑब्वियसली बॉडी रस्टी होती है, उतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं हुई, बट आई एम श्योर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड या नेक्स्ट मैच ऑनवर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। बैटिंग ज़्यादा बैटिंग तो की नहीं मैंने, बॉलिंग के दो ओवर किए थे, उसमें भी मैंने दो ओवर में 24 रन पड़वाए जिसमें से 15 वाइड थी। जो सीधी बॉल करा रहा था उस पर नहीं स्कोर कर पा रहे थे, बट वाइड ही इतनी डाल दी मैंने। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा परफॉर्मेंस होएगा। बट हाँ एक रन आउट भी किया मैंने बहुत तेज़, बाकी आया उसमें बैक में हल्का सा झटका सा आ गया तो बहुत तेज़ हल्की सी हल्का सा दर्द हुआ था तब। और ये देखो हल्की हल्की सी स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है थंब में। एक्चुअली मैं फील्डिंग कर रहा था तो बहुत जोर से बॉल लगी यहाँ पे आके, इसके से पूरा ये पोर्शन लाल हो गया था। तो मैं बॉलिंग कर रहा था एंड बॉलिंग करने का सिंगल लिया एक ने बैट्समैन ने, तो फील्डर ने इतनी जोर से थ्रो मारी, मैंने रोकने की कोशिश की तो यहाँ पे लगा एकदम से इम्पैक्ट एंड बहुत जोर से, तब नहीं दर्द हुई बट बाद में हमेशा दर्द होती है एंड अभी रहेगा ये 2-3 दिन लाल रहेगा अभी। अब सुबह मुझे पता नहीं कि कहाँ का किस किस हिस्से में दर्द होने वाली है, सुबह उठ के पता चलेगा बट होगी ज़रूर। बट एनीवेज मज़ा आया, तो ये व्लॉग यहीं तक ही रखते हैं। होपफुली आपको हमारा मेरा क्रिकेट व्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़्यादा तो मैंने शूट किया नहीं क्योंकि नई टीम थी तो नई टीम के साथ कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, इसलिए मैंने शूट ज़्यादा नहीं किया, नहीं तो वो तो ये क्या कर रहा है, ये शूट करने ही आया, खेलने तो आया नहीं। तो अगले मैच से या उसके बाद से मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से शूट करने लगूँगा जब एक बार जाने लग जाएंगे सबको। बट ठीक था, मज़ा आया एंड होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाते रहो। अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ले बाय 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 बाय।